ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बिहार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, ऐसी छात्राएं और छात्र और संपूर्ण बिहारवासी और गुरुजनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो बढ़ते कदम है सरकार का, उसका पुनः पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार बोर्ड के तमाम छात्र छात्राओं का अब संशय खत्म हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से 10th के एग्ज़ाम देने वाले तमाम छात्र और छात्राएं ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आएगा। आज बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ साथ बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर और तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने आज रिजल्ट जारी कर दिया। वहीं छात्राओं ने इस बार खूब बाजी मारी, जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात अब देखने को मिल रही है और सच होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उन तमाम छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं जिन्होंने टॉप किया है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बिहार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, ऐसी छात्राएं और छात्र और संपूर्ण बिहारवासी और गुरुजनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से काम करना चाहता हूं कि फिर से बिहार ने परीक्षाफल प्रकाशन में पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान जल्द से जल्द परीक्षा फल प्रकाशित करने में पाया है और मात्र 31 दिन में यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हुई। इसके लिए संपूर्ण शिक्षक से जुड़े हुए परिवार को, शिक्षकों को, माता पिता को, विशेष रूप से ये मैट्रिक बोर्ड से जुड़े हुए परिवार के सदस्यों को, चेयरमैन साहब को इसके लिए बधाई कि पांचवी बार पुनः इंटर के तरह ही पांचवी बार संपूर्ण देश में परीक्षा फल अतिशीघ्र प्रकाशित करने में बिहार अव्वल रहा है। आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो बढ़ते कदम है सरकार का, उसका पुनः पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं रिजल्ट के क्षेत्र में भी। के आपने इंटर में देखा और यहाँ भी मैट्रिक में भी प्रथम 3 स्थान में 1, 2, 3 पोजीशन होल्ड करने में 6 बच्चे हैं जिसमें 4 बच्चियां हैं। तो आप सभी के माध्यम से जो 1 to 10 में 90 बच्चे बच्चियां हैं और फिर रिजल्ट का डिटेल आप लोगों ने देखा, हमारे चेयरमैन साहब अनंत किशोर जी ने आपके सामने विस्तृत जानकारी दी कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी पास करने का जो प्रतिशत है बच्चों का, मतलब 1.16 से वर्ष 2023 आगे है। पिछली दफा 79.88% था और इस बार 81.4% है। सभी जो 90 बच्चे 1 to 10 में आए हैं, विशेष बच्चे जो द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में,
और जिनको कैरी अवार्ड मिला है, ये सभी को बधाई। जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन से प्रोवर्ब पढ़ते थे, फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, जो गिरते हैं वही संभलते हैं। इसलिए पूरे जोशो जुनून से वो बच्चे जो इस बार कामयाब ना हो सके वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, ऐसे माता पिता भी हतोत्साहित ना हो और प्रोत्साहित करें बच्चों को कि आगे बेहतर कर सकें और भारत का मान आगे करने में बिहार अव्वल स्थान हासिल कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। हम इस अवसर पर ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग किए जा रहे हैं और हम लोग ये महसूस करते हैं कि कई प्रयोग करना बाकी है। हम अपने बिहार वासियों के बच्चे बच्चियों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें और उसके लिए क्या अभिनव प्रयोग किया जा सके, इसके लिए हमारे सरकार के मुखिया लगातार चिंतित रहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवाओं बेरोजगारों के प्रति हर समय चिंतित रहते हैं। मैं पुनः याद करते हुए कि यह सरकार, आप सभी को मालूम है कि प्रोत्साहन राशि योजना चलाई और बिहार से पहले इस देश में कहीं प्रोत्साहन राशि योजना नहीं चली है जहां तक हमें जानकारी है। तो प्रोत्साहन राशि योजना से आच्छादित बिहार के ये बच्चे जो प्रथम श्रेणी में बच्चियां और बच्चे पास किए हैं उनको 10,000 रुपया सरकार लंबे समय से देती रही है और इस बार भी देगी और अलग से पारितोषक का भी घोषणा होगा। चेयरमैन साहब को बता रहे थे और बताएंगे भी। तो आप सभी को, संपूर्ण बिहार वासियों को, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिय जनों को और शिक्षकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तमाम छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। वहीं उन्होंने ये कहा है कि बिहार अब अव्वल की दिशा की ओर जा रहा है। जिस तरीके से इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक के परीक्षा में छात्राओं ने खूब बाजी मारी, वहीं बात करें ट्वेल्थ के रिजल्ट की तो ट्वेल्थ के रिजल्ट में भी छात्राओं की संख्या खूब देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से मैट्रिक के परीक्षा में छात्राओं ने फिर से बाजी मारी। वहीं टॉपर्स लिस्ट में शामिल तमाम छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सबसे अव्वल स्थान पर है कि रिजल्ट सबसे जल्दी जारी कर दिया गया है, चाहे वो ट्वेल्थ का रिजल्ट हो या फिर टेंथ का। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।